रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू वेलकम टू क्लास एट ओपन योर साइंस बुक पेज नंबर वन यूनिट नंबर वन इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक मेजरमेंट्स यूनिट नंबर वन में जो है वो हम साइंटिफिक मेजरमेंट्स की जो है वो इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे यानी तारुफ के बारे में पढ़ेंगे ओपन पेज नंबर टू द मेन परपज ऑफ साइंस इज़ टू सीक आउट द लॉज ऑफ़ द यूनिवर्स एंड इफ़ पॉसिबल टू एक्सप्रेस सेम इन प्रिसाइज मैथेमेटिकल फॉर्म्स जो मेन पर्पज़ है साइंस का वो है जी यूनिवर्स में जो मौजूद लाज हैं उनके बारे में जानना और उनको जो है मैथेमेटिकल फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस करना टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं यूज़ इन्फॉर्मेशन फॉर सर्चर पर्पज़ डिज़ाइन इलेक्ट्रिकल अपलियंसिस रेडियो टेलीविजन रेडार इंस्टॉलेशन आर्टिफिशल सेटेलाइट स्पेस क्राफ्ट न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स कम्प्यूटर्स सैंटिफिक टेक्नोलॉजिज़ जो हैं उन्होंने इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें बनाई हैं all of which have helped to make our material way of life so different from that of our ancestors in sab cheezon ne have hai wo hamari zindagi ko jo hai wo improve karne mein aur hamare abaadad se behtar guzarne mein madad ki hai until the end of 18th century the study of materials things was treated as a single aspect of human thought no 18th century tak materials and aur were ko jo hai wo ek hi इट वॉज कॉल्ड नेचर फिलोसफी इसको नेचर फिलोसफी कहा जाता था बट एज नॉलेज इंक्रीज इट फाउंड नैसेसरी टू डिवाइड द स्टडी ऑफ नेचर इन टू टू मेन ब्रांचेस लेकिन जैसे ही हमें जो है हमारे इल में इजाफा हुआ तो हमें पता चला कि जो है नेचर को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं फर्स्ट द फिजिकल साइंस एंड द सेकेंड इज बियोलॉजिकल साइंस बॉलोजिकल साइंस टेल्स विद द लिविंग थिंग्स बियोलॉजिकल साइंस में हम जो है वो जानदारों के में पढ़ते हैं वायल द फिजिकल साइंस जो है वो कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ़ नॉन लिविंग मैटर्स जो फिजिकल साइंस उसमें हम नॉन लिविंग मैटर्स के बारे में जानते हैं द टू मेन फिजिकल साइंसेज और फिजिकल एंड केमिस्ट्री फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो साइंसेज में टू मेन आगे जो ब्रांचेज हैं उनमें जो है हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री है इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू बट ब्रॉडली स्पीकिंग केमिस्ट्री डील्स विद एक्शन ऑफ सबस्ट्रांस और केमिस्ट्री इन में जो है वो फ़र्क करना बहुत मुश्किल है केमिस्ट्री में जो है हम सब्सटेंस के एक्शंस के बारे में पढ़ते हैं और फिजिक्स में जो है हम मैटर और उसके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं ऑल द मेन मेट्स ऑफ इन साइंस एंड स्पेशली इन फिज़िक्स आज रिलेटेड थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ और यूनिट फ़िजिक्स में जो हम थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में जानते हैं जिनमें हमारे पास लेंथ और यूनिट होता है अंटिल अबाउट एटीन हंड्रेड ईयर्स अठारह सौ साल तक साइंस you know, जो है वो वेरियस डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं उनको मैयर करती थी यूनिट्स के जरिए इंग्लिश और यूरोपियन ने जो है वो लेंथ को सेंटीमीटर्स में मैर किया लेकिन 1960 में जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो है वेट को मैयर करने के लिए जो है डे पास जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट को रिकमेंड किया गया इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट जो है ये uh, जो है अर्लियर जो है एम सिस्टम जो है इसको कहा जाता है और इसकी जो है वो बेसिक्स हैं उनमें मीटर किलोग्राम और सेकेंड आते हैं सबसे पहले हमारे पास मैरिंग लेंथ मेरिंग लेंथ में जो है इसका ऐसे यूनिट जो है वो मीटर है और डिफाइंड इसकी डेफिनेशन जो है द डिस्टेंस एट ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड बिटवीन टू लाइंस ऑन अ प्लेटिनम इरेडियम बार कैप्ट एट द इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ वेट्स एंड मयर्स एट साउथ नियर पेरिस यानी कि जो डिस्टेंस है वो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर भी दो लाइंस के दरमियान प्लेटिनम रेडियम के दरमियान जो मैयर किया जाता है इंटरनेशनल ऑफिस में उसको हम जो है वो मैयरमेंट कहते हैं मेयरमेंट के यूनिट्स बताए गए हैं लेंथ में वन किलोमीटर इज इक्वल टू तो वन थाउजेंड मीटर्स वन वन मीटर इज इक्वल टू तो हंड्रेड सेंटी और वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू तो टेन मिली मीटर्स उसके बाद मेरे पास जो वेरी स्मॉल लेंथ हैं उनको हम मैयर करते हैं माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में वन मीटर इज इक्वल टू वन मिलियन माइक्रो मीटर एंड वन बिलियन नैनोमीटर्स नॉ पेज नंबर थ्री इंस्ट्रोमेंट्स यूज टू मैयर लेंथ वो इंस्ट्रोमेंट जो के लेंथ को मैयर करते हैं सबसे पहले मेरे पास है मीटर रूल मीटर रूल जो है फॉर डे टू डे वर्क इज एलिमेंट्री फिजिक्स लेबार्ट्री वी यूज मीटर एंड हाफ मीटर वुडन रूल हम जो है वो एलिमेंट्री फिजिक्स लैब में जो है हम मीटर और हाफ मीटर वुडन जो है रूल्स को यूज़ करते हैं दे आर मार्क इन एंड पर सेंटीमीटर्स और मिली मीटर्स जो हैं वो मार्क हुए होते हैं द आई मस्ट बी प्लेस्ड वर्टिकली अबव द मार्क बीइंग रीड टू अवॉइड एरर्स इसके ऊपर जो है वो आँख के खास पॉइंट पे रखनी पड़ती है ताकि हमें किसी एरर से जो है वो बचा जा सके मेरिंग टेप इज़ आल्सो यूज टू मैयर लेंथ मेरिंग टेप जो है ये लेंथ को मैयर करने में इस्तेमाल होती है कैलीपर है उसके बाद कैलीपर जो है अ पेयर ऑफ कैलीपर यूज टू मेरिंग डिस्टेंस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑर्डनरी मीटर रूल कैन नॉट बी अप्लाई डायरेक्टली जब ऑर्डनरी मीटर रूल हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते उसके लिए हमें जो है वो कैलीपर की ज़रूरत पड़ती है कैलीपर जो है कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ हाइन स्टील जॉज इसमें स्टील जॉज होते हैं जो कि बहुत ही क्लोज होते हैं और ये ऑब्जेक्ट जो है डिजायर्ड पोजीशन तक टच कर सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द जॉस आफ्टर वर्ल्ड मईर्स ऑन द ऑर्डनरी स्केल इन जॉज के दरम्यान वाला जो डिस्टेंस है ये उस चीज़ की मेजरमेंट करता है उसके बाद हमारे पास वर्नियर कैल्पर है वर्नियर कैल्पर कंसिस्ट ऑफ अल स्केल विच इज फिक्स जॉज एट वन एंड जो कि वर्नियर कैल्पर जो है वो स्टील स्केल है जो कि जॉस जो एक जॉज है उसका वो फिक्स है द ऑब्जेक्ट टू बी मैयर टू प्लेस बिटवीन दिस इज़ द स्लाइडिंग जॉ सम कैलिपर्स जो हैं ऑल्सो हैव इन साइड जॉस इनमें जो है ऑब्जेक्ट को जो है कैलीपर जॉस के दरमियान में रखा जाता है और उनकी मैयरमेंट की जाती है इसमें जो है टेन डिवीजन्स होती हैं स्लाइडिंग जॉस को जो है हम वर्नीयर कहते हैं और वर्नियर जो है वो हमें जो है किसी भी सेंटीमीटर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो सेंटीमीटर्स तक देता है नेक्स्ट हमारे पास क्यू गेज है क्यू गेज इज यूज फॉर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ पाइप पीस ऑफ वायर एंड सिमिलर स्मॉल डिस्टेंस ये जो है हमें जो एक तार है उसकी जो है मेजरमेंट बताता है इट कंसिस्ट ऑफ अ स्क्रू स्पिंडल इसमें स्क्रू स्पिंडल है जो कि फिट uh, होता है थंबल मार्क से जो कि स्केल में मौजूद होता है जिसमें फि फिफ्टी इक्वल डिवीजन होते हैं वेन टॉकिंग अ रीडिंग जब हम रीडिंग देखते हैं इसमें अ टिम्बल इज टर्न अंटिल द ऑब्जेक्ट इज क्रिप्ट वेरी जेंटली बिटवीन द एनवल एंड द स्पिडल जो टिम्बल है उसको हम तब तक जो है वो प्रेस करते रहते हैं जब तक कि वो जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो एनवेल और स्पिंडल के दरम्या में सही से फिक्स नहीं हो जाता द स्लीप रीडिंग गिव्स द यूनिट्स एंड द फर्स्ट टू डेसिमल प्लेस वॉयल द टिम्बल रीडिंग गिव्स द थर्ड डेसीमल प्लेस स्लीप रीडिंग जो है वो हमें फर्स्ट टू यूनिट्स और डेसीमल्स के बारे में बताती है और जो टिम्बल रीडिंग है ये हमें थर्ड डेसीमल तक की रीडिंग के बारे में बताती है